जय भवानी। आज हम एक अद्भुत मंदिर के बारे में बात करेंगे, वही मंदिर जिसके डिजाइन से ही भारतीय संसद भवन का डिजाइन बनाया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर की। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से 40 किलोमीटर दूर मितावली में एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसका निर्माण आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व प्रतिहार राजपूतों ने करवाया था। उस समय ग्वालियर प्रतिहार राजपूतों की राजधानी थी। मंदिर का आकार गोलाकार है, जिसमें 101 खंभे तथा 64 कमरे हैं। हर कमरे में एक शिवलिंग है तथा एक योगिनी देवी की मूर्ति होने के कारण इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। 9वीं सदी में इस मंदिर में कर्मकांड तथा तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती थी, जहां देश विदेश के विद्वान अध्ययन करने को आते थे, जो कि देश का सबसे बड़ा तंत्र मंत्र का विश्वविद्यालय था। 9वीं सदी में इस मंदिर को देव संसद भी कहा जाता था। अंग्रेज आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर तथा एडविन लैंडसियर ल्यूटेंस इस मंदिर की स्थापत्य और संरचना को देखकर प्रभावित हुए कि भारतीय संसद की डिजाइन इसी राजपूतों के मंदिर से बनाने की परिकल्पना की, और 1921 में भारतीय संसद निर्माण इसी मंदिर के डिजाइन में किया गया, और करीब 35,000 वर्ग मीटर में भारतीय संसद इस मंदिर के डिजाइन के रूप में बनकर तैयार हुई। तो इस प्रकार राजपूतों द्वारा निर्मित मंदिर को डिजाइन को देकर ही भारतीय संसद का निर्माण किया गया, जहां एक और भारतीय संसद की सुरक्षा और सुंदरता में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं अपनी पुरानी संपदा को बचाने के लिए न तो केंद्र सरकार कोई कदम उठा रही है और न ही प्रदेश सरकार। फिर भी हम राजपूत अपने इतिहास और पूर्वजों पर गर्व करते हैं। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय भवानी।